जब भी हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने और रिस्कों को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसके लिए हम जो है लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक से लेकर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स का जो एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में रखते हैं, कि कभी अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है, करेक्शन आती है, तो वहां पर जो है हमारा रिस्क है जो थोड़ा कम हो, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डाउन कम हो, इफेक्ट उस पर कम पड़े। और वहीं अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो वहां पर जो है स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स है, वहां से आपको अच्छा बेनिफिट कमा के दे सकते हैं। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे कि पिछले साल सेबी की तरफ से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, मल्टी कैप स्कीम्स पर, म्यूचुअल फंड की मल्टी कैप स्कीम्स पर है जो एक न्यू रूल लाया गया था, वो रूल ये था कि जिन म्यूचुअल फंड हाउसेस की मल्टी कैप स्कीम्स हैं उनको जो मल्टी कैप स्कीम्स में इक्वली एक्सपोजर जो है हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में 25% का मिनिमम एक्सपोजर रखना नेसेसरी कर दिया गया था। और जिसके चलते म्यूचुअल फंड हाउसेस की मीटिंग, मैनेजर्स की मीटिंग भी हुई सेबी के बोर्ड के साथ, तो तब जो है सेबी की तरफ से डिसीजन लिया गया कि एक न्यू टाइप की कैटेगरी है जो लॉन्च की जाएगी, वो थी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। म्यूचुअल फंड्स में एक न्यू स्कीम कैटेगरी जो है लॉन्च की गई थी, तो उस दौरान सेबी की तरफ से कहा गया था कि जो मल्टी कैप स्कीम्स पे हैं या तो ये नया रूल को ध्यान में रखकर ही फंड मैनेजर्स हैं जो पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें और इक्विल एक्सपोजर है जो हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में रखें, या फिर जो है स्कीम को कन्वर्ट कर ले दूसरी स्कीम्स में, या फिर स्कीम को बंद कर दिया जाए। तो जब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सेबी की तरफ से लॉन्च की गई तो ज्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेस की जो मल्टी कैप स्कीम्स थी उन्होंने अपनी मल्टी कैप स्कीम्स को कन्वर्ट कर लिया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की स्कीम में, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स है जो मल्टी कैप स्कीम्स को आता था, क्योंकि एक ही फंड में तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स का पूरे वहां पर रखा जाता था। तो उस दौरान है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी स्कीम्स में बहुत सी मल्टी कैप स्कीम्स कन्वर्ट भी हुई। तो बाद में जो है काफी फंड हाउसेस हैं जो मल्टी कैप स्कीम्स अपनी मार्केट में लेके भी आए। तो आज की भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही फंड के बारे में जो कि कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से लॉन्च किया गया है। फंड है कोटक मल्टी कैप फंड। फंड का जो NFO का इशू है 8 सितंबर 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 22 सितंबर 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि मल्टी कैप स्कीम्स में बेनिफिट करने के निवेश क्या होते हैं। वो तो आपको पता ही है कि आपको तीनों कैटेगरी के स्टॉक्स का एक्सपोजर है जो एक ही फंड में मिल जाता है अगर आप निवेश करते हैं। आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में निवेश करने की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने के लिए और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। आपको मल्टी कैप स्कीम्स में सिर्फ निवेश करना है और मल्टी कैप स्कीम्स में वैसे भी आप जो है एक्सपोजर है वो इक्वली एक्सपोजर है जो रखा जाता है हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में। मिनिमम 25% का एक्सपोजर है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में रखना नेसेसरी कर दिया गया है सेबी की तरफ से। तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं कोटक मल्टी कैप फंड में, कोटक म्यूचुअल फंड किसी अनदर स्कीम में, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपको डिसीजन लेने में, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो पहले हम NFO की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फंड का जो इशू है 8 सितंबर 2021 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो गया है और 22 सितंबर 2021 तक है जो सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग NFO पीरियड निवेश करना चाहते हैं वो 22 सितंबर 2021 तक है जो निवेश कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 500 रुपीज कर सकते हैं और जो स्कीम के फंड मैनेजर रहेंगे मिस्टर हर्ष उपाध्याय जी और मिस्टर देवेंद्र सिंघल जी इस स्कीम को मैनेज करेंगे और मिस्टर अभिषेक बिसेन जी डेट फंड मैनेजर होंगे और वहीं मिस्टर अर्जुन खन्ना जी ओवरसीज फंड मैनेजर होंगे इस स्कीम में। स्कीम का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 50 25 25 इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क है। यानी कि तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्कीम है एक मल्टी कैप फंड है और सेबी की तरफ से जो है मल्टी कैप स्कीम्स में मिनिमम एक्सपोजर 25% का इक्वली एक्सपोजर हर एक टाइप की कैटेगरी स्टॉक्स में मिनिमम कर दिया गया था। और वहीं फंड मैनेजर्स हैं जो 25% का एक्सपोजर मिनिमम हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में रख के वेटेज रख के फंड में, और वहीं जो 25% बच जाता है उसको जो है किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स में, किसी अनदर डेट फंड सिक्योरिटीज में या फिर किसी अनदर म्यूचुअल फंड की नोट्स में जो है निवेश कर सकते हैं। स्कीम में जो रिस्क है वेरी हाई स्कीम में रिस्क है। और वहीं अगर हम बात करें स्कीम में किस टाइप से जो है एक्सपोजर रखा जाएगा इक्विटी सिक्योरिटीज का, तो 25% का जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम 25% का एक्सपोजर है एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में रखना नेसेसरी है। तो 25% का लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में, 25% मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में और 25% स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में एक्सपोजर जो है पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। और वहीं 25% है जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन है जो उसके भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की जाएगी, पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाएगा। यानी कि
अकॉर्डिंग टू डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी को यूज करके, जब मार्केट है जो अगर कॉस्टली होगी तो तब है जो डेट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाएगा ज्यादा, और अगर मार्केट है जो लो है, एक लो प्राइस पर जो स्टॉक्स मिल रहे हैं तो उस टाइम जो है निवेश किया जाएगा इक्विटी सिक्योरिटीज में। तो 25% का मिनिमम एक्सपोजर एक टाइप की कैटेगरी स्टॉक्स में रख के, बाकी का 25% है जो डायनेमिक एलोकेशन की जाएगी स्कीम में। फोकस ऑन इकोनॉमिक रिवाइवल, तो फोकस रहेगा जब फंड में पोर्टफोलियो में एक्सपोजर रखा जाएगा इकोनॉमिक रिवाइवल्स पर, जो कि लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स हैं, जैसे कि आउटसोर्सिंग, आईटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स हैं, और फाइनेंशियलाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियलाइजेशन की बहुत डिमांड बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस के बारे में हर एक लोग अवेयर हो रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, अपने पैसे को सेव करना, लोग उसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, एनबीएफसी के स्टॉक्स, इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक्स और एएमसीज के स्टॉक्स हैं जो फाइनेंशियलाइजेशन सेक्टर में लिस्टेड हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ट्रांसपोर्ट, पर्सनल केयर, कंज्यूमर स्टेपल्स, कैपेक्स रिवाइवल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, कैपिटल गुड्स। फोकस ऑन नेक्स्ट पोर्ट ऑफ गोल्ड, और फंड का जो है फोकस रहेगा आने वाले गोल्ड पर, यानी कि जो आने वाली चीज का खरा सोना है उन पर भी ध्यान रहेगा, यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स हैं। अगर लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में कन्वर्ट होते हैं, बिजनेस अच्छा होता है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, रिवेन्यू अच्छा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली कंपनीज के शेयर प्राइस हैं जो बढ़ेंगे, कंपनी की ग्रोथ होगी। तो उनमें जो कौन से सेक्टर्स में अभी लगता है कि आने वाले सेक्टर्स टाइम में जो सेक्टर्स के कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो बढ़ सकते हैं, प्राइस जो है उनका हाई हो सकता है, तो वो है रूरल एग्री सेक्टर के स्टॉक्स। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर्स, फार्मा इक्विपमेंट, आत्मनिर्भर भारत, जैसा कि मोदी जी की तरफ से जोर दिया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत पर, कि इंडिया में ही चीजें बने, इंडिया से ही जो है इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे, तो जिसके लिए काफी स्टेप भी उठाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल केमिकल्स, एपीआईज, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, ऑटो एंसिलरीज, रियल एस्टेट रिकवरी, रियल एस्टेट प्लेयर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, होम इंप्रूवमेंट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो इस प्रकार है जो आने वाले कंपनीज के स्टॉक्स हैं, जो स्मॉल कैप कंपनीज के सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जो उनमें आने वाले जो उनसे खरा, मतलब कि आने वाले टाइम में जिनका प्राइस जो है अच्छा शेयर जा सकता है, शेयर प्राइस अच्छा हो सकता है, जिनका रेवेन्यू बढ़ेगा, बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो उन कंपनीज के स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स को जो है रखा जाएगा पोर्टफोलियो में, एक्सपोजर दिया जाएगा। अनहोनी को भी होनी बना दे, जी हाँ। देखिए सबसे पहला जो है लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स में एक्सपोजर रखा जाएगा, तो वहां पर जो है जब आप निवेश करेंगे कोटक मल्टी कैप फंड में, तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ लार्ज कैप, यानी कि आपको पता है कि जब भी मार्केट में करेक्शन होती है तो लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइस हैं जो बहुत कम गिरते हैं, क्योंकि उनमें कैपेबिलिटी होती है कि अगर कंपनी का जो एक 2 साल फाइनेंशियल ईयर में अगर रेवेन्यू अच्छा भी नहीं आता तो वो भी लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो फिर भी अच्छा सस्टेन कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इतना फंड्स होते हैं कि वो अगर 1-2 साल लॉस में भी रहे तो भी उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ग्रोथ लार्ज कैप कंपनीज में हो गई होती है और काफी उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी अच्छा होता है। और ग्रोथ ऑफ मिड कैप, मिड कैप अगर लार्ज कैप कंपनीज के बाद जो बात आती है वो आती है मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स की। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी स्टॉक्स में कन्वर्ट होती है, लार्ज कैप कंपनी बनती है, तो वो होती है मिड कैप कंपनी, जो है लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट होगी। तो ऐसे भी मिड कैप सेक्टर्स कंपनी के स्टॉक्स में जो है बहुत सा ग्रोथ है जो बची होती है, जहां पर निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, अगर हमें पता है कि कौन सी कंपनीज के बिजनेस मॉडल अच्छे हैं, रिवेन्यू अच्छा आएगा, शेयर प्राइस अच्छा जाने वाला है आने वाले टाइम में। प्रॉमिस ऑफ स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप कंपनीज है जो थर्ड नंबर पर आती है लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स के बाद, और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो है रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न्स भी यहां से आपको अच्छी मिलने की आसार होते हैं, बट आपके एनालिसिस अच्छे होने चाहिए। तो यहां पर जो है आपको तीनों स्टॉक कैटेगरी के स्टॉक्स का जो है बेनिफिट मिलने वाला है अगर आप निवेश करते हैं कोटक मल्टी कैप फंड में, तो निवेश कर सकते हैं। अब पहले बात करते हैं कि सुइटेबल किन निवेशकों के लिए है, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं निवेश इस फंड में निवेश करके फॉर ओवर ए लॉन्ग टर्म के लिए। तो सबसे पहला जो है रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है लोग हैं आजकल काफी टाइम पहले ही 20-30 साल पहले ही करने लग जाते हैं, तो अगर आप रिटायरमेंट की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। आप जब तक आपकी रिटायरमेंट की एज होगी आपके लिए काफी अच्छी जो है एक अमाउंट है आपको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेगी, तो आप जहां से अपनी रिटायरमेंट होकर भी अपनी लाइफ को अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को उठा सकते हैं। डॉटर्स एजुकेशन, सन मैरिज,
अपने डॉटर के लिए एजुकेशन के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना हो, या फिर अपने बेटे की मैरिज के लिए अपने पैसे को जोड़ना हो, या फिर अपने आप, या फिर आपने अपने एक ड्रीम होम बाय करना हो, तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। बट पेशेंस आपको रखना जरूरी है। मैं आपको जैसे कहता हूं कि इक्विटी मार्केट में आपको कभी भी ये मत सोचिए कि आप थोड़े से टाइम में निवेश करके ही अमीर हो जाएंगे। आप अगर पेशेंस रखेंगे तो आपको जो है लंबे समय के लिए काफी अच्छा मुनाफा यहां से मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने पर निवेश कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, खुद से सोचिए, अपने गोल को समझिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगर हम बात करें रिटर्न्स के बारे में लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के बारे में, तो 2010 में लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स ने जो रिटर्न्स दी 19% की, और मिड कैप कंपनीज ने 20% की, स्मॉल कैप कंपनीज ने 18% की। और वहीं 2011 में नेगेटिव रिटर्न्स 25% की, और मिड कैप कंपनीज ने 31% की नेगेटिव रिटर्न्स, और स्मॉल कैप कंपनीज ने 35% की नेगेटिव रिटर्न्स जो डिलीवर की। और वहीं अगर हम बात करें 2019 की, तो लार्ज कैप कंपनीज ने 12% की रिटर्न्स डिलीवर की, और वहीं मिड कैप कंपनीज ने 1% की रिटर्न्स, और स्मॉल कैप कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न्स 7% की नेगेटिव रिटर्न्स जो है डिलीवर की। और वहीं अगर हम बात करें बाद में 2020 के बाद, 2020 में आपको पता है कि कोविड का जो कारण है, जो मार्केट डाउन गई, क्रैश हुई, उसके बाद जो मार्केट ने कितनी अच्छी रिकवरी की, लार्ज कैप कंपनीज ने यहाँ पर 16% की रिटर्न्स दी 2020 में, और मिड कैप कंपनीज ने 26% की, और स्मॉल कैप कंपनीज ने भी 26% की रिटर्न्स जो डिलीवर की है 2020 में। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में कि फंड में कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करके जो स्टॉक सिलेक्शन की जाएगी, द फंड विल फॉलो बिजनेस मैनेजमेंट वैल्यूएशन मॉडल फॉर स्टॉक पिकिंग आइडियाज विद 25% एलोकेशन ईच टू लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनी स्टॉक्स। तो फंड है जो एक बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन मॉडल को यूज करेगा स्टॉक पिकिंग करने के लिए। 25% का एक्सपोजर है जो हर एक टाइप की कैटेगरी के स्टॉक्स में रखा जाएगा, और वैल्यूएशन मॉडल, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट, इन सभी मॉडल्स को ध्यान में रखे है जो स्टॉक सिलेक्शन की जाएगी। तो फंड मैनेजर है जो बिलीव करते हैं तीन ड्राइवर्स में जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। सेंटीमेंट ड्राइवन बाय कोविड-19 थर्ड वेव। तो जो सेंटीमेंट्स मिलेंगे कोविड-19 की थर्ड वेव से, वो मार्केट को इस टाइम करंटली मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। फ्लोज फ्रॉम लोकल एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स। और कैसा फ्लो जो है इन्वेस्टमेंट का आ रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर से और लोकल इन्वेस्टर से। जैसा कि आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले जो है डाटा रिलीज किया गया था ब्रोकर हाउसेस की तरफ से, वहां पर दिखाया गया था कि 1 करोड़ से ज्यादा के डीमैट अकाउंट है जो ओपन हुए फाइनेंशियल ईयर 2020 में। तो अभी जैसा कि नए लोग अवेयर हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं, तो ठीक इसी प्रकार जो पैसा फ्लो मार्केट में आ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो वहां से जो है उसके ऊपर सेंटिमेंट रहेगा, फंड मैनेजर्स का ध्यान रहेगा कि कैसा किस प्रकार का फ्लो है जो इन्वेस्टमेंट है ग्लोबल इन्वेस्टर्स और लोकल इन्वेस्टर्स से आ रही है। फ्लोज फ्रॉम एंड फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स को भी ध्यान में रखे है जो स्टॉक सिलेक्शन की जाएगी। तो अगर हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट और वैल्यूएशन मॉडल के बारे में, तो जो बिजनेस मॉडल है इसमें जो है कंपनी के बिजनेस के साइज को देखा जाएगा कि कंपनी का जो बिजनेस साइज है वो कितना बड़ा है, और कंपटीशन देखा जाएगा कि जो कंपनी का बिजनेस है उसका कंपटीशन मार्केट में कितना ज्यादा है, सस्टेनेबिलिटी देखी जाएगी और स्केलेबिलिटी देखी जाएगी कितने लार्ज स्केल पर है जो कंपनी का बिजनेस फैला हुआ है। और वहीं मैनेजमेंट देखा जाएगा विजन, ग्रोथ ओरिएंटेशन की कंपनी का क्या विजन है, क्या आने वाले टाइम का विजन है कि कितनी सेल्स बढ़ाना चाहते हैं, एक्सीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कैपिटल एलोकेशन, वैल्यूएशन, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। वैल्यूएशन आपको पता है कि किसी कंपनी के वैल्यूएशन को चेक करते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का शेयर प्राइस है जो इंट्रेंसिक वैल्यू, वहां पर देखी जाती है कि इंट्रेंसिक वैल्यू किसी स्टॉक की क्या है, तो वहां पर देखा जाएगा कि रीजनेबल प्राइस पर जो है कंपनी की ग्रोथ होगी या नहीं होगी। और आरओई, आरओसीई, फ्री कैश फ्लो को ध्यान में रखकर जो वैल्यूएशन कंपनी की चेक की जाएगी। और अगर हम बात करें स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल ग्रोथ करना है, इन्वेस्टमेंट करके लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करके लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल ग्रोथ करना स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जैसा कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो किसी भी टाइप की गारंटी एश्योरेंस नहीं रहती कि जो स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा या नहीं होगा।
तो अब हम बात करें कि अभी निवेशकों को इस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिन निवेशकों ने कभी मल्टी कैप फंड्स में अपने पोर्टफोलियो में एक्सपोजर नहीं रखा हुआ, वो निवेशक इस फंड में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के अलग अलग फंड्स में निवेश करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो काफी लार्ज हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोटक मल्टी कैप फंड में निवेश कीजिए, और भी म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके मल्टी कैप फंड है जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी है, तो आप उनको ध्यान उनको चेक करके, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करके कंपेयर करके इस फंड से तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। पर फिर भी निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, उनके कहने पर ही आप निवेश कीजिए। बात करूंगा यहीं पर। अगर वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।